हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश साइज। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश का बुक का एक पोयम है माय ग्रैंड मदर हाउस, जिसे लिखा है कमला दास ने, ठीक है ना। तो उसकी समरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उस पोयम में क्या होता है, या एग्जाम में समरी पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको आज सोचा है कि मैं पढ़ाऊंगा आपको समरी, उसका समरी अगर आप समझ लेते हो अच्छे से तो फिर आप क्वेश्चन आंसर चैप्टर का सॉल्व कर सकते हो। समरी तो ऑब्वियसली लिख ही सकते हो, और समझ लोगे तो चैप्टर से कोई पूछता है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो, ठीक है गाइस। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले क्या करिए, आप अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल का जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसको आप प्लीज टिक आउट कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाएगा। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माय ग्रैंड मदर्स हाउस रिटेन बाय कमला दास, मतलब इसे कमला दास ने लिखा हुआ है। वो क्या है, एक लेडीज है, ठीक है ना, फीमेल राइटर है, इंडियन फीमेल राइटर है, जिन्होंने इसे लिखा हुआ है। ओके गाइस, तो आइए हम डिस्कस करते हैं समरी के बारे में। समरी में कह रहा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज बीन रिटन बाई कमला दास, कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वो कमला दास को द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, इन दिस पोएम सी हैज रिटन अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, और इस कविता में उन्होंने अपनी दादी के घर के बारे में लिखा है। ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब दादी का घर, तो दादी के घर के बारे में उन्होंने लिखा है। आइए देखते हैं आगे क्या है। फिर लिखा हुआ है शी ऑल्सो यूज टू लीव दिस हाउस विद हर ग्रैंड मदर, कह रहा है कि वो भी उन किसके साथ, जो लेखिका है कमला दास, कह रहा है कि वो भी अपने दादी माँ के साथ उस समय उस घर में रहा करती थी। When she was young, और उस समय वो काफी जवान हुआ करती थी, ठीक है, यंग थी। आगे लिखा हुआ है एवरीथिंग वॉज राउंड दैट द हाउस वॉज सो ब्यूटिफुल वेन द ऑनर ऑफ दैट हाउस वॉज अलाइव, कह रहा है हर चीज एकदम बेहतरीन तरीके से सुसज्जित था, यानी हर वस्तु जहां होनी चाहिए वहां रखी जाती थी, और बहुत अच्छी तरीके से सुंदर तरीके से उसको सजा कर रखा गया था। कब, जब उस घर की मालिक जो थे वो जिंदा थे। मालिक कौन, उनकी दादी थी, वो जिंदा थी तो ऐसे रखा था। आगे देखिए, बट वेन हर ग्रैंड मदर डाइड एंड द स्पीकर लिव्ड इन अदर प्लेसेस द हाउस बिकेम सो बैड कंडीशन, कह रहे कि लेकिन क्या हुआ, जब उनकी दादी माँ मर गई और जो लेखिका है कमला दास वो रहने के लिए कहीं और चली गई, तो उस घर की हालत बहुत ही नाजुक हो गई, यानी बहुत ही बिगड़ गई, और वो घर क्या हो गया, टूट फूट गया, बोल सकते हैं गंदा हो गया, कचरा हो गया, यानी वो बिगड़ चुका था, देखने में सुंदर नहीं लगता था। आगे है एवरीवेयर राउंड बट द हाउस बिकेम सो पिटेबल, कह रहा है घर तो था लेकिन उसकी जो स्थिति थी वो काफी दयनीय थी, ठीक है ना, अच्छे कंडीशन में घर नहीं था। बुशेज ग्रीव अराउंड देयर, यानी घर के चारों तरफ झाड़ियां निकल गई थी, बड़ी बड़ी झाड़ियां निकल गई थी। When she reached there to see the house, she received earlier love, जैसे ही वो उस घर पे दोबारा पहुंचती हैं, तो वहां क्या देखती हैं? वहां अपने पुरानी प्रेम को देखती हैं, जो अपने दादी के साथ वहां पे बचपन में खेला करती थी, घूमा करती थी, घर में इधर उधर धामा छोकड़ी मचाती थी, दादी को परेशान करती थी। जब उसे घर को देखती है तो उन्हें अपना बचपन का प्यार याद आ जाता है। आगे लिखा है she saw her house damaged, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग कॉट इन हर माइंड, और जब उन्होंने अपने घर को डैमेज देखा, यानी बिगड़े हुए हालत में देखा, क्षतिग्रस्त रूप में देखा, तो एक अजब प्रकार की फीलिंग उनके दिल में उठी, यानी कि काश मैं जब रहा करती थी उस समय घर कैसा था, तो और इस समय ये कैसा हो चुका है, ठीक है। एवरीथिंग वॉज चेंज व्हेन शी वॉज देयर स्टिल, हर चीज बदल चुका था और उसे देख के वहीं रुक सी गई। आगे है शी वॉज प्राउडली बिकॉज शी रिसीव देयर हर अर्लियर लव, और उन्हें इस बात का फक्र भी था कि जब वो जैसे ही वहां पहुंची तो उन्हें अपना पहले वाला प्रेम याद आ गया, दादी के साथ कैसे रहती थी, कैसे खेला करती थी, वो सारी बातें याद आ गई, वहां उन्होंने अपने बचपन के प्यार को पाया। आगे है इन दिस पोएम सी हैज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब अबाउट दैट हाउस व्हेन शी वाज टू यंग एंड लिव्ड विद हर ग्रैंडमदर, लिखा मैंने कि उन्होंने एक वैसे घर के बारे में वर्णन किया है जब वो बहुत जवान थी और उस समय वो अपने दादी के साथ उस घर में रहा करती थी। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, ये चैप्टर खत्म हो गया, और गाइस ये जो है ना ये ऑटोबायोग्राफी उनकी जीवनी है जिसके आधारित ये पोयम है, उसमें लिखा हुआ अपने जीवनी के बारे में कि जब मैं जवान थी तो ऐसे थी वैसे थी, उसी के बारे में ये पोयम है, और वहां से उठा के इसको आपके बुक में दिया है। तो गाइस यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय बाय।